विपिन बिहारी गांगुली, कन्हैयालाल दत्त, उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, अनगिनत ऐसे महान व्यक्तित्व का नाता इस धरती से है। ये वो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत हमें दिए। माउंट एवरेस्ट को मापने वाले महान गणितज्ञ राधानाथ सीगर, महान भाषाविद भूदेव मुखर्जी, ऐसे मनुष्यों का भी नाता इसी मिट्टी से रहा है। मुझे हैरानी है इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवीरों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन दो शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टिकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा।